गंगाशील हॉस्पिटल देगा ITVP के जवानों को बेहतर चिकित्सा सुविधा। बरेली का गंगाशील हॉस्पिटल अब सरहद की रखवाली कर रहे ITVP के जवानों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा। ITVP के DIG APS निम्बाडिया और CMO डॉक्टर राधेश्याम और गंगाशील अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर NK गुप्ता के बीच हुए अनुबंध के बाद इसकी मीडिया में घोषणा की गई। डॉक्टर नवल किशोर गुप्ता ने कहा कि अस्पताल जवानों की बिना किसी भेदभाव के उत्तम क्वालिटी की मेडिकल फैसिलिटी देगा। हमारे जवान सरहद की रखवाली करते करते बीमार हो जाते हैं और कभी कभी जिंदगी और मौत से लड़ते हैं, ऐसे में उनको बेहतर चिकित्सा देना हमारा फर्ज है। DIG निम्बाडिया ने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र और पहाड़ी इलाकों से जो इंडो बॉर्डर पर सिपाही अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं, इलाज की जरूरत पड़ती है तो उनको आप गंगाशील अस्पताल में लाया जाएगा और अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ उनकी देखभाल करेंगे। तो हमने इसको सपोर्ट आगे बढ़ाया। एक साथ के इधर गई है 2019-20 का टाइम बहुत चेंज हो रहा है और ऐसा मौका मिला एंड विथ दिस वंस अगेन थैंक यू सर। ऐसा है कि हम सभी से तो सभी को देते हैं। आज हमारा ITVP जो हुआ है MOU, उसमें हम सारी जाँचें सुविधाएँ प्रिवेंटिव क्योरेटिव हर तरह की सुविधाएँ प्रोवाइड कराएँ जो कि इस एरिया में या उत्तराखंड के एरिया में नहीं अवेलेबल। समझौता हुआ है किस तरह का इलाज होगा और किस तरह के सैनिकों को यहाँ भेजा जाएगा। बेसिकली भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और गंगाशील मैनेजमेंट के साथ एक रेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये हम चाहते हैं कि डायरेक्टर जनरल ITVP ने निर्णय लिया कि हम अपने जवानों को विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधा प्रदान करेंगे। उसी क्रम में जो है एक बरेली में इस प्रकार की सुविधा का हमने देखा कि कहाँ पर CGHS रेट के ऊपर जो है हम एक अच्छी से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसी क्रम में गंगाशील के साथ हमारा MOU हुआ है और यहाँ से हम कुमाऊँ क्षेत्र को पूरा देखते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में हमारे जो जवान हैं दिन रात देश की सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, किसी भी कंटीजेंसी में उनको हम मेडिकल अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करा सकते हैं। और इस अंडरस्टैंडिंग के मेमोरेंडम के हिसाब से जवान बरेली आएंगे और बरेली से इमिडिएटली वो हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज होंगे या उनका जो फर्दर नेक्स्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो यहाँ से बताया जाएगा। NG न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।